हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास टेंथ जो आपका आपकी एक्सरसाइज चल रही थी 3.2, उसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट हम कराने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, कल आपको जो बोर्ड पे बताया था, आई थिंक बोर्ड पे अगर अच्छे से ग्राफ नहीं बना पाया हो तो इस पे हमने थोड़ा सा अच्छे से बनाने की कोशिश करी है। समझ लो कैसे करना है। यहाँ पर क्वेश्चन आपको, 5 पेंसिल एंड 7 पेंस टुगेदर कॉस्ट ₹50, मतलब आपको दे रखा है 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट मिला के दे रखी है ₹50। एंड वेयर इज 7 पेंसिल, और जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट टुगेदर दोनों के साथ मिला के दे रखी 46। ओके स्टूडेंट्स, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। हमें पेंसिल की कॉस्ट और 1 पेन की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, मतलब दोनों की 1-1 की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने लेट के लिए लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल इक्वस टू एक्स। ओके, पेंसिल बी एक्स, बी भी लिख सकते हैं यहाँ पर बी एक्स। ओके स्टूडेंट्स, बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी वाई, है ना। 1 पेन की कॉस्ट हमने वाई लेट कर ली। इसके बाद में आपको क्या करना, फर्स्ट कंडीशन से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन मतलब अगर एक की कॉस्ट एक्स है। ओके स्टूडेंट्स, एक पेंसिल की कॉस्ट एक्स है तो 5 पेंसिल क्या हो जाएगी, 5x 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी टाइप से एक पेन की कॉस्ट ₹Y है तो 7 की क्या हो, 7y, और दोनों को मिला कितना हो रहे हैं, 50 रुपीज़ हो रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, 7y को उस साइड लेके चले जाओ, माइनस का साइन चेंज हो जाएगा। जब भी हम साइड चेंज करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो क्या हो जाता है, हमारा साइड चेंज हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है और साइड भी चेंज हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, 50 - 7y ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब हमने वैल्यू पुट करी, पहले हमने 5 पुट करा तो 7 by 35। ओके स्टूडेंट, 35 और 50 - 35 माइनस करो, क्या बचेगा, 15 by 5 = 3। एक्स = 3 आया कब, जब आया जब हमने वाई = 5 रखा तब। ओके स्टूडेंट्स, तो एक वैल्यू आपके पास ये होगी, सेकंड हमने रख दिया यहाँ पे 0। ओके, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या रखना चाह रहे हो। ओके स्टूडेंट्स, आप चाहे तो और कुछ भी रख सकते हो, और कोई वैल्यू, लेकिन कोशिश करना ऐसी वैल्यू रखो कि छोटी भी वैल्यू है ना, स्मॉल वैल्यू भी है, और ऐसी वैल्यू जो सब्ट्रैक्ट करने पर डिवाइड भी हो जाए। तो यहाँ पर 50 में से ये तो 0 ही हो गया, क्या बचा हमारे पास, 50 में 5 के डिवाइड हो गए 10 आएगा कब, जब हमने वाई = 0 रखा तब। ये वैल्यू रखी थी हमने, पुट करी थी वाई के प्लेस पर। अब ये एक्स वाई, उसके बाद फिर एक और वैल्यू हमने फाइंड आउट करने की कोशिश की, उसमें आपने हमने रखा y = 10। ओके, तो 50 - 70, 7 × 10 = 70, तो 50 में से 70 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, -20 by 5 का डिवाइड इसमें दोगे -4, और y = कब, जब हमने y = 10 रखा तब। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से हमारी टेबल बन गई, 3 5, ये 3 5, एक्स वैल्यू यहाँ है, वाई वैल्यू यहाँ है, 3 5 10 0, यहाँ से 10 0 और -4 10। ओके स्टूडेंट्स, ये आ गई। इसी टाइप से सेकंड कंडीशन में हमने सेकंड इक्वेशन ले ली, सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये देखो, सेकंड इक्वेशन हमारे पास 7 पेंसिल 5 पेन दोनों की कॉस्ट मिला के कितने दे रखी, ₹46 दे रखी है, तो 7x + 5y = 46 हुआ। अब 5y को हमने इस साइड लेके चले गए, साइन चेंज हो गया, प्लस का साइन था माइनस का हो गया। अब 7 किस में, इसमें इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इधर डिवाइड हो गया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी 46 - 5 तो पहले से ही है, यहाँ वाई के प्लेस में 5 रख दिया पहले, तो 5 × 5 = 25, 46 - 25 माइनस करो क्या बचेगा हमारे पास, 21 by 7, तो 7 का डिवाइड 21 में दोगे क्या आंसर आएगा, x = 7 कब, जब हमने y = 5 पुट करा तब। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी वैल्यू निकालना चाह रहे हो, 3 निकालो 4 निकालो आपके ऊपर डिपेंड करता है। x = 46 - 5 × -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 10 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब 46 + 10 कितना हो जाएगा, 56। ये हमने सॉल्व पहले से इसलिए कर रखा है क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो जाता। ओके, 7 × 8 = 56, 8 यहाँ पे आ गया। अब क्या रखने पे आया था, -2, तो y = -2। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी टाइप से यहाँ पे फिर से पुट करा, 46 - 5 × अब 12 कर दिया यहाँ पे पुट। ओके, तो 12 × 5 = 60, 46 में से 60 माइनस करो क्या बचेगा, -14, और -14 में 7 का डिवाइड दोगे -2 आएगा, तो y = कब रखने पे, जब y = 12 रखा तब आया आपका x = -2। तो वैल्यू ये आ गई आपके पास, 3 5, x 3 y 5, x 8 y - 2, x 8 y - 2, इसके बाद x - 2 y 12, x - 2 y 12। ओके स्टूडेंट्स, ये आ गया आपका।
इसके बाद हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करी है, ग्राफ ड्रॉ करा है यहाँ पे। तो ग्राफ ड्रॉ में फर्स्ट कंडीशन ये थी, सेकंड कंडीशन हमारी ये थी, ओके, सेकंड कंडीशन हमारी ये थी, दोनों का दोनों की वैल्यू इस ग्राफ के अंदर हमने शो करी। कैसे शो करी, देखो हमने इसको ले लिया, हमने पहले देख लिया था कि एक्स कितना है ज़्यादा से ज़्यादा, एक्स यहाँ देखो सर्च करो 10 है ना, इधर एक्स करो यहाँ 8 है ना, 10 यानी हाईएस्ट 10 है, तो एक्स की तरफ ऐसी वैल्यू पुट करिए कि 10 से थोड़ा सा आगे हो जाए, है ना। तो 10 तक ही हमने लिख ली, आप यहाँ पे 11 कर सकते हो, 12 कर सकते हो, 13 कर सकते हो, ओके, जैसे दो तीन तक और आगे एक्स्ट्रा ले लो। इसके बाद हमने देखा हाईएस्ट वाई कितना है, वाई आपका 10 है पॉजिटिव, यानी ऊपर की तरफ 10 भी है, ओके, और वाई 12 भी है, तो हाईएस्ट हमने 12 तक करके ले गए ऊपर तक, है ना। यहाँ पे हमने करा 11 और यहाँ पे हमने करा 12, ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप ध्यान रखना, ओके स्टूडेंट्स, ये इस टाइप से हम करते जाते हैं। अब क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है 3.5 एक्स की तरफ, यहाँ से ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, इसका अपोजिट एक्स का अपोजिट एक्स डैश, और इस वाई का अपोजिट वाई डैश, ओके स्टूडेंट्स, ये वाई डैश है। अब यहाँ एक्स 3.5, 3 कहाँ है, 1, 2, 3 और 5 ऊपर चलो 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि पॉजिटिव है ना इसलिए, तो 3.5 यहाँ पे आ गए हम, 3.5 यहाँ पे आ गए। इसके बाद 10.0 इधर 10 गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 0 मतलब यहीं रह गए, 10.0 इसकी वैल्यू लिख दी हमने, 10.0 इसकी वैल्यू आई, ओके। नेक्स्ट हमने हम चले आगे -4.10, तो -4 कहाँ है, इधर है, 10 कहाँ है, ऊपर की साइड में जाएंगे, यानी कि यहाँ पे आ गया -4.10, ये आ गया -4.10, ये वाली वैल्यू, ओके। ये तो हो गया आपकी फर्स्ट, तो कौन कौन सी वैल्यू थी हमारे पास, -4.10, 3.5, ओके, और हमारे पास कौन सी थी, 10.0, तो इनसे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ओके स्टूडेंट्स, इससे हमने लाइन ड्रॉ कर दी। ये किसकी थी, 5x + 7y = 50, है ना, 5x + 7y = 50, इसका हमने ग्राफ ड्रॉ करा, मतलब लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद सेकंड कंडीशन हमारी ये थी, सेकंड कंडीशन फिर से हमने वही पीछे वाला नोट कर लिया यहाँ पे, तो 3.5 हमने दो बार इसलिए लिखा है, आप कन्फ्यूजन में पढ़ो, एक तो 3.5 यहाँ पे भी था, एक 3.5 यहाँ पे भी है, 3.5, ओके स्टूडेंट्स। अब आगे चलते हैं, उसके बाद हमारे पास क्या है, 8.-2, तो 8 यहाँ पे एक्स, 8.-2, तो -2 कहाँ है, नीचे की साइड में, तो ये रहा 8.-2, यहाँ पे आ गए 8.-2। उसके बाद मैं जाओ -2.12, -2 अब एक्स की तरफ -2 और .12 ऊपर चले जाओ, है ना, यहाँ पे ये आ गए, ये 12, ओके स्टूडेंट्स, 12 यहाँ के आ 12 यानी एक्स आपका 12 हो गया, y = -2, ये यहाँ गए, तो इससे इससे और इससे हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ओके स्टूडेंट्स, ये लाइन किसकी होगी, 7x + 5y = 46। अब देखो यहाँ पे x कितना है, 3 है, y कितना है, 5 है, ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी जो कॉस्ट हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ पेंसिल = ₹3 आ गई, क्योंकि x क्या है, 3 है, और कॉस्ट ऑफ पेन = कितना हो जाएगा, ₹5, ये हो जाएगा। अगर इसको हम चेक करना चाह रहे हैं, अभी भी चेक करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास जो इक्वेशन थी, किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख लो, 3x + 7y क्या आना चाहिए, 50 आना चाहिए, अगर ये 50 आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज रॉन्ग है, तो 3 × 3 + 7 × 5, ओके स्टूडेंट्स, सॉरी 5x, तो 5 × 3 = 15 + 35 = कितना आ गया, 50 आ गए, जो कि इसके इक्वल है, इट मीन्स आपका जो आंसर है वो राइट है, ओके स्टूडेंट्स। तो इस टाइप से आप कोशिश करना इन दोनों क्वेश्चन को फिर से एक बार सॉल्व करने की, ओके स्टूडेंट्स, ज़्यादा हम वर्क इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि आप इस ग्राफ को अच्छे समझ लो, ओके स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना।